नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है अभी से। आज मैं फिर आया हूँ गोला पे। काफ़ी पानी भरा है गोला में। मामा देखने आए हैं कि आज गोला का कटाव कितना हो चुका है। और अभी हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं गोला की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं। पानी काफ़ी है गोला में अभी भी। आवाज़ आ रही थी सुबह सुबह, तो हमने सोचा एक बार देखा जाए कि गोला ने कितना कटाव करा है किसानों की ज़मीनों का। ओह, ये तो यहीं पर ही आ गई गोला। आज देखो, आज दिखाते हैं हम आपको गोला कहाँ आई है। पानी थोड़ा कम हो चुका है पर कटान तो बहुत हो गया। देखो, जो हमने रास्ता दिखाया था आपको ऐसे करके अगले ब्लॉग में, वो रास्ता गायब हो गया है। देखो, पूरा रास्ता गायब। यहाँ पर तार वार थी, सब गायब हो गई। देखो, खंबे वंबे। और काफ़ी कट चुका है किनारे। देखिए, यहाँ तो दरार आ गई है। ये सब जाएगा अब। ये देखिए, बहुत कटान हो चुका है गोला का रुद्र। ये देखो दरार। तो परसों तो कहते हैं यार लाल मिट्टी आ गई, अब नहीं कटेगा। और ध्वस्त होने वाला है ये एरिया। देखिए आप किस तरीके से गोला का कटाव हो रहा है, एकदम जाने ही वाला है। ये देखिए, यहाँ तक दरार आ चुकी है और हम खड़े हैं इस दरार में थोड़ा आपको दिखाने के लिए। ये देखिए जाने लग गया है पूरा। ये देखो, पूरा चले गया है गोला में, समा के ही है। ये खनन के उस्ताद हैं तो ये बता रहे हैं कि इतना माल गिर चुका है गोला में। थोड़ा दो ट्रक माल एक बार में जा रहा है, वो भी नीचे वालों के लिए जा रहा है। आदमी उठा के ले जाते तो अभी तक न जाने क्या क्या हो जाता है। लेकिन ये अब कुदरत ले जा रहा है तो कोई, सब नगमस्त है इसके आगे। कोई ठोकरे नहीं है। देखे पेड़ जड़े, देखे कैसे बह रही है। ये देखे, ये भी जाने वाला है। काफी शांत है गोला अभी, पर शांति से काट रही है कटाव। ये पेड़ भी जाने वाला है। देखिए, यहाँ पर तक कटाव हो चुका है। एक पेड़ जा चुका है, उतना बड़ा पेड़ भी जा चुका है, जस्ट जाने ही वाला है। ये बहुत करीब से दिखाएंगे हम आपको। ऐसे कटाव होता है, बिल्कुल जड़ से दिखाओ। देखो, इतना कटाव हो चुका है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर पानी से बहने से भी बचाना है। ये देखो आज इसे ज़्यादा ज़मीन कट चुकी है और अब हम आ चुके हैं खेत पे। ये गोला है, यहाँ पर पहले खेती होती थी। अगर यकीन नहीं आ रहा, ये गन्ना देखिए आप, ये गन्ना एक गोला। आधे से ज़्यादा गन्ना बह चुका है किसान का यहाँ पर से। और क्या कहें, किसान आए हैं अब, काफ़ी क्या कर सकते हैं वो। ये गन्ना बह रहा है और देखिए बछड़े को देखिए आप, डर के मारे बेचारा यहाँ पर बैठा है। दरार यहाँ तक आई है, बछड़े तक। क्या करेंगे, कितना नीचे है गोला आप देखिए। ये और बछड़े को बचाने के लिए जा नहीं रहा, देखिए उतना फिर गिर चुका है। अले लोग पाल के छोड़ दे रहे हैं ऐसे। हमारे बड़े भाई केसर था बछड़े को भगाते हुए। इतना यहाँ को खड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके शायद माँ बाप जो भी हैं साथी पीछे रह चुके हैं उस साइड। इतना कटान हो चुका है अभी। और अब ये भी जाने वाला है। परीक्षण करते हुए गांव के लोग। मिट्टी भी बह रही है देखो यहाँ पर से। वो बह रहा है लाल मिट्टी, ये ऊपर का पानी ले जा रहा है ना सभी है।
ये देखिए दरारें, आप दरारें देखिए बस। और अब जा रहे वाला है ये भी, मैं तो रोकने की कोशिश कर रहा हूँ मगर क्या करूँ ये रोक नहीं पा रहे हैं, और रोकने की पूरी कोशिश करी लेकिन रुका ही नहीं जा। मैं तो कह रहा हूँ मज्जा 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 करके ना, मगर ये मानता ही नहीं चले जा रहा है। है एकदम से पतला सा रह गया। हाँ कोई बात नहीं, जा रहा कौन जाने वाले को कौन रोक पाया आज तक ना। और चप्पल भी आ रहा है साथ में, इसकी बनाओ इसकी बनाओ। हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। अरे यहाँ तो दरार है, बनाने का चक्कर था हम ना जाए कहीं। बिंदु खत्ता की गोला का काफी विकास किया गया है। ऐसा सारा आता है, पता नहीं कौन खा जाता है। ये देखिए ये विकास नीचे जा रहा है, विकास ये चले गया विकास, ये गया विकास। एक बार में 5 फीट का विकास हो रहा है, एक बार में 5 फीट विकास। हाँ सब गिर गया वहाँ पे। बारिश के बाद हो रही है सड़ी गर्मी और गोला आई है इतनी उफान, और सब कटाव हो चुका है, सबसे ज़्यादा कट चुका है गोला। ये देखिए, ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव रिपोर्ट। एक पेड़ आप भी लगाया है, ये देखो। हाँ एक पेड़ लग गया है, इससे थोड़ा बचाव हो सकता है। आप नज़र आ रहा है जैसे वहाँ पर एक पेड़ लगा था तो उसने काफ़ी बचा रखा है। गन्ने के खेत के बगल में आ चुकी है गोला और छू लिया है इसने खेत। ये है कटाव, ये है गन्ना। गोला में इधर उधर परीक्षण कर रहे हैं, एक भाई हमारा बीच गोला में जाके परीक्षण कर रहा है। देखिए ये देखिए डंडा उठाते हुए, देखिए ये देखिए, ये देखिए लकड़ी ला रहा है। हाँ गोला ने अगर बहा दिया इन्हें, कुछ कर दिया तो इनके परिवार वाले भी सरकार पे दोष देंगे कि गोला आई ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर इनकी लापरवाही नहीं दिख रही है। ये देखो आप इस गोला को देख के, गोला तो हमने बहुत पहले से ही देखी है, क्या करें कहना, तो वो उन लोगों से था जो इसकी देख देख करते हैं, अब वो कर ही नहीं है तो क्या कहें। नियम के हिसाब से तो यहाँ तटबंध लगने चाहिए थे, ज़मीन बच जाती, बहुत कुछ होता, लोगों का फील्ड था, ये आते थे, लेकिन अब ले जा रही है गंगा माई। ये गंगा माई को यही पसंद है, शायद विकास वालों को भी यही यही पसंद है ना। बहुत विकास तो बहुत हुआ है मगर ठीक नहीं है कुछ, दिख नहीं रहा विकास। और शाम हो चुकी है, 5:30-6 बज चुका है, और अभी हमारी हो रही है रुपाई, और हमारे बड़े भाई केसर दादी चला रहे हैं ट्रैक्टर। बिंदु खत्ता के सबसे सीनियर ड्राइवर और सबसे एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर हैं ये। पोल के यहाँ पर क्या बारीकी से निकाल रहे हैं।